वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को लुभाते हुए किराए के मकान या झुग्गी बस्ती में रहने वालों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, सरकार किराए के घर या झुग्गी बस्ती या चाल और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना लाएगी। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए 2 करोड़ और मकान बनाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट को 66% तक बढ़ाया गया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे। वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। सरकार फसल कटाई के बाद की कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। 3 प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण किया जाएगा और रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा। 3 में से 1 रेलवे कॉरिडोर सीमेंट के लिए होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में घरेलू पर्यटन के लिए पैदा होते उत्साह को देखते हुए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। हमारी आर्थिक ताकत ने देश को व्यापार और सम्मेलन पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। वित्त मंत्री द्वारा लक्षद्वीप का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गत 4 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था। सोशल मीडिया पर उस समय विवाद खड़ा हो गया था, जब मालदीव के एक मंत्री और कुछ अन्य नेताओं ने लक्षद्वीप के एक प्राचीन समुद्र तट पर मोदी का एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र का विस्तार करेगी और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस का परिवहन के लिए CNG और पाइप वाली प्राकृतिक गैस में मिश्रण अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की हर चुनौती को हमारे आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से दूर किया गया है। देश में दूध और डेयरी उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है। भारत का दूध उत्पादन 2022 से 23 में 4% बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम लखपति दीदी योजना को बढ़ावा देंगे। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। पहले हमारा लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का था, पर अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। इसके अलावा रूफ टॉप सोलर योजना के तहत हर महीने 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उभरते हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए की कोष पूंजी बनाया जाना वास्तव में बाजी पलटने वाली नीति साबित होगा। वित्त मंत्री ने कहा 1 लाख करोड़ रुपए की कोष पूंजी स्थापित की जाएगी, जिसमें 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण होगा। इस कोष पूंजी के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त पोषण या लंबी अवधि के लिए फिर से वित्त पोषण किया जाएगा तथा इसमें कम या शून्य ब्याज दरें होंगी।